हेलो एवरीवन मेरा नाम नजीब खान है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज में ये मेरा ट्वेल्थ लेक्चर है या ये मेरी ट्वेल्थ वीडियो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 11 के बारे में ये जो सेक्शन 11 है टीपीए का ये डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना ऐसा कोई रोक लगाना रिपगनेंट जो टकराए टू इंटरेस्ट क्रिएटेड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ सामने वाले के फेवर में उससे टकराए ये कब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक मकान बेचा बेचने के साथ उस पर यह शर्त लगा दिया कि इस मकान को आप हमेशा गोदाम और दुकान के लिए इस्तेमाल करेंगे आप कभी रहेंगे नहीं भाई जब हम आपको मकान बेच रहे हैं तो हम आपको उसका ओनर बना रहे हैं ओनर होने का क्या मतलब होता है हम उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे इस्तेमाल करें जब चाहे डिस्पोज ऑफ कर दें तो जब हम आपको उसका ओनर बना रहे हैं तो यानी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके ऊपर शर्त लगा दें कि आप इस मकान को हमेशा गोदाम के लिए इस्तेमाल करेंगे या दुकान के लिए इस्तेमाल करेंगे या हमेशा सफेद कलर से पुतवाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं जो रिपग्नेट टकरा रही है टू इंटरेस्ट क्रिएटेड जो इंटरेस्ट क्रिएट किया यानी आपको जो ओनर बनाया है आपके ओनर बनने का जो इंटरेस्ट है उससे टकरा रही है वो रिस्ट्रिक्शन देखिए अब इसके अंदर जाने से पहले थोड़ा सा सरल से शब्दों में हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिया कि हमने आपको मकान ट्रांसफर करा उसके ऊपर इस तरह की शर्त लगा दिया कि इसको हमेशा सफेद कलर से पुतवाएंगे इसमें आप हमेशा दुकान खोलेंगे या गोदाम के लिए इस्तेमाल करेंगे रहेंगे नहीं इस तरह की भी शर्तें हो सकती हैं शर्त हम ये भी लगा सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लैंड आपको हमने ट्रांसफर करा एक लैंड और आपसे कहा कि इसमें सिर्फ आम का पेड़ ही लगाएंगे आप ना अमरूद का पेड़ लगाएंगे जो रही है जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जो इंटरेस्ट क्रिएट किया का मतलब जब हमने आपको ओनर बना दिया है उसका तो आप उसके अंदर चाहे अमरूद का पेड़ लगाएं चाहे नींबू का चाहे आम का इस तरह का जो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो रिपग्नेंट में आ जाएगा यानी वो टकराएगा इंटरेस्ट होने से क्योंकि ओनर को तो नहीं रोका जा सकता किसी चीज के लिए हाँ कुछ हो सकता है कि जहां पे आपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ना ट्रांसफर किया हो किसी को रहने के लिए दे दिया हो तो आप लगा सकते हैं शर्त ठीक है लेकिन यहां पे तो आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पे तो हम बेच रहे हैं इसी चीज के ऊपर ये सेक्शन इलेवन डील करता है अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीबी खान एलेवन वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और मेरे दूसरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे देखिए अब याद करिए कि जब हमने सेक्शन टेन को कवर किया था तो सेक्शन टेन में हमने आपको क्या बताया था कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर शर्त इंपोज कर सकते हैं कंडीशन इंपोज कर सकते हैं और वो कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती हो सकती है और कंडीशन से पहले उस कंडीशन को हो सकता है फुलफिल करना हो तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट बन जाएगी और अगर वही शर्त लगाई गई हो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद उसको फुलफिल करना है तो वो कंडीशन सबसीक्वेंट हो जाएगी और हमने आपको बताया था कि ये शर्तों का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने पर हमने आपको बताया था कि अगर कंडीशन प्रेसिडेंट है वो कंडीशन ही वॉइड निकली गलत निकली गैर कानूनी निकली तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी लेकिन कंडीशन के केस में क्या है कि अगर कंडीशन वॉइड निकली तो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई वो वैलिड रहेगी ये हमने आपको बताया था एक रूल अब कुछ सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो कुछ कंडीशन सब्सिक्वेंट को वॉइड वाइडर करते हैं जैसे सेक्शन टेन सेक्शन इलेवन सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन सेवेंटी ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो कुछ सबसीक्वेंट कंडीशन को वाइड डिक्लेयर करते हैं। तो अगर कंडीशन सबसीक्वेंट वाइड हुई तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा वैलिड रहेगा लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट अगर वाइड निकली तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं होगी तो ये जो सेक्शन 11 है ये उसी कंडीशन सबसीक्वेंट के ऊपर डील करता है अब हम लोग इसको बेयर एड की लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं देखिए क्या कह रहा है वेयर जहां पे ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जहां पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एप्सोल्यूटली जहां पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और सामने वाले के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वो एप्सोल्यूटली क्रिएट एप्सोल्यूटली क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अब देखिए यहां पे

अगर हमने आपको सिर्फ रहने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो आप किराएदार बन जाएंगे तो उसमें हमने आपको क्या ट्रांसफर करा है? कुछ हित ट्रांसफर किया राइट टू राइट टू इंजॉय करने का कि आप वहां पर रह सकें आपको किराएदार हो प्रॉपर्टी के ओनर अभी हम हम ही है तो कुछ इंटरेस्ट मेरे पास है अभी जैसे ओनरशिप का इंटरेस्ट है उसी तरीके से मॉर्गेज के लिए कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया कुछ अभी हमारे पास है मालिक अभी हम मालिक हम अभी हैं तो यहां पे हम इसका मतलब कंप्लीट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहे हैं

बाई हिम जिसको हमने दिया है इन अ पर्टिकुलर मैनर यानी यह कह रहा है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं किसी व्यक्ति को मान लीजिए एप्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको आप बेच रहे हैं या गिफ्ट में दे रहे हैं लेकिन आप उसको डायरेक्शन ऐसा दे रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो आपने इंटरेस्ट उसके फेवर में क्रिएट करा प्रॉपर्टी दी है उसको आप कोई पर्टिकुलर मैनर में इंजॉय करें या अप्लाई करें यह कौन सी बात हुई हमने आपको मकान बेचा आप उसके मालिक बन गए आप उसको रेड कलर का पुतवाएं ग्रीन कलर का पुतवाएं सफेद कलर का पुतवाएं आपकी मर्जी आपको हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया ना आप तो मालिक बन गए उसी तरीके से हमने आपको अगर लैंड दिया है कोई आप वहां पे हम आपसे कहें कि आप गेहूं की खेती नहीं कर सकते वहां पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती करेंगे या सिर्फ गन्ना लगाएंगे या हमने कहा कि आप आम का पेड़ लगाएंगे नींबू का अमरूद का नहीं लगाएंगे क्यों किस है अगर हमने आपको चलो लेसी के तौर पे किराए के तौर पे दिया हो तो चलो हम मालिक है शर्त लगा सकते लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं लेकिन यहां आपको मालिक बना रहे हैं उसके बाद हम कैसे शर्त लगा सकते हैं तो ये क्या कह रहा है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और इंजॉयड बाई ही शैल बी कौन ही शैल बी जिसको दिया है आप आप इंटाइटल होंगे रिसीव करने के लिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए उस इंटरेस्ट को एस इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन ऐसी अनिजनेबल शर्त अगर आप लगा, हम लगा के आपको प्रॉपर्टी देंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि ऐसी कोई शर्त है ही नहीं कंडीशन सबसिक्वेंट अगर वॉइड हो गई ट्रांसफर वैलिड रहेगा लेकिन जो शर्त लगी है आप उससे बाउंड नहीं है याद करिए सेक्शन टेन में हमने क्या बताया था ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब आगे लिखा है नी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड लेकिन उसी जगह पर अगर कोई ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी ऐसी कोई अचल संपत्ति को लेकर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफर मे है हम सरल शब्दों में आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं देखिए अब ये क्या कह रहा है कि आमतौर पे आप प्रॉपर्टी को अगर सामने वाले को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके फेवर में तो आप इस तरह की कोई शर्तें नहीं लगा सकते हैं जिसको सेक्शन इलेवन ने विक्लेयर करा है ठीक है अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं बेच रहे हैं गिफ्ट में दे रहे हैं ठीक है लेकिन अगर केस ऐसा है जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मकान है ठीक इससे जुड़ा हुआ एक लैंड है। ठीक है अब अब यहां पे हमने एक खिड़की बनाई हुई है एक खिड़की बनाई हुई अपने मकान में कि थोड़ा हवा आए थोड़ा धूप मिले वहां से बगल में यह भी मेरी प्रॉपर्टी है और यह लैंड भी मेरा प्रॉपर्टी है ये जो लैंड है यह भी मेरी प्रॉपर्टी है और ये मकान भी मेरा मेरी प्रॉपर्टी है ठीक है अब यह मेरा मकान है अब यहाँ पे हमारे जो खिड़की लगाई हुई है हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से भाई लाइट धूप थोड़ा रोशनी मिले थोड़ा खुलापन रहे हमने इसलिए लगाया वेंटिलेशन रहे इस वजह से लगाया बगल में मेरा लैंड था अब हम लैंड को अपने बेचना चाहते हैं अब अगर हम अपने लैंड को बेचना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पे शर्त इम्पोज कर सकते हैं कि जो लैंड आप ले रहे हो जिसको हम बेच रहे हो जैसे सपोज डेड आपको तो आप यहाँ पे दीवार नहीं खड़ा करोगे ताकि आप मेरी खिड़की में जो धूप आ रही है रोशनी आ रही है जो वेंटिलेशन है उसको रोके तब हम यह शर्त लगा देंगे तो उसको सेक्शन इलेवन वॉइड नहीं कहता है बस ये इसका कहने का मतलब तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो बंदे का ये मकान है उसी ने इसको ट्रांसफर किया हो शर्त क्या है जिसका ये मकान हो उसी का यह लैंड हो जिसको यह ट्रांसफर कर रहा हो और इस प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए यहां पे हम इसको इस लैंड के लिए रोक ये नहीं लगा सकते किसी और के बेनिफिट के लिए इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए तो ये हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि तुम दीवार नहीं खड़ी करोगे तो ये वैलिड होगा सेक्शन इलेवन इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा जो इसके बाद में बोला गया है ठीक है देखिए क्या कह रहा है वेयर एनी सर्च डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके आपने वो रिस्ट्रिक्शन लगाया है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ एनअर पीस ऑफ लैंड

ए जो है अपना एग्रीकल्चर लैंड जो है बी को बेचता है कंडीशन इस शर्त पे कि बी कैन कल्टीवेट ओनली बीट बी जो है सिर्फ और सिर्फ वहां पे गेहूं उगाएगा बट कैन नॉट ग्रो क्रॉप ऑफ पैडी लेकिन क्रॉप्स ऑफ पैडी धान की खेती नहीं करेगा अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि धान की खेती किस फसल के लिए की जाती है पैडी धान की खेती किस फसल के लिए करी जाती है तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बी को और उस पर शर्त लगा रहे हैं कि बी जो है उसको सिर्फ गेहूं के लिए इस्तेमाल करेगा गेहूं की फसल उगाने के लिए बीट के लिए और ना कि पैडी के लिए तो ये वॉइड सेक्शन 11 इस तरह की शर्तों को वॉइड कर रहे है क्योंकि हम आपको बेच रहे हैं आप उसके मालिक बन रहे हो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं द कंडीशन इज वॉइड एंड बी इज फ्री टू ग्रो द क्रॉप ऑफ पैडी बी क्योंकि ये कंडीशन है अगर ये वॉइड हो गई तो बी फ्री है वो चाहे कुछ भी होगा उस पर

सेक्शन टेन के अंदर जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने पर एलिनेशन के ऊपर रोक लगाया जा रहा है इसमें उसके इंजॉय करने पर रोक लगाया जा रहा है प्लस यहां पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन सेक्शन टेन के अंदर क्या है एप्सल्यूट और पार्शियल दोनों ही इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकते हैं ए सेल्स हाउस टू बी डायरेक्टिंग दैट बी कैन नॉट रिसाइड इन इट बी उसमें कभी रह नहीं सकता लेकिन सिर्फ यूज कर सकता है एज अ गोडाउन और एज अ शॉप कंडीशन बीज वॉइड बी इज एन टाइटल टू यूज द हाउट एस इज रेसिडेंस ठीक है आगे बी एंड सी ज्वाइंटली विदीशन दट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पार्टीशन शर्त लगा दी गई कि प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता है टिल बी एंड सी अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी राइट टू एफेक्ट पार्टीशन बीन एन इंसिडेंट ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी

भाई बिना मतलब के किस बात का पैसा दें आया यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफिस हाउस टू बी विदीशन दैट बी शेल नॉट रिसीव एनी इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर जबरदस्ती की condition इज वॉइड एज being repugnant टू द राइट ऑफ enjoyment.

तो यहां पे क्या बात कर रहा है यहां पे पर यह बात कर रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की पार्शियल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा पार्शियल इंटरेस्ट के केस में तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ठीक है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द ट्रांसफर इज मेरली ऑफ अ पार्शियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द द ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑफ पार्शियल और लिमिटेड इंटरेस्ट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर एग्जांपल लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ मेरली अ पार्शियल इंटरेस्ट ठीक है इंटरेस्ट इन व्हिच द लेसी गेट्स ओनली द राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट इट्स ओनरशिप अगर हम आपको अपनी प्रॉपर्टी रहने के लिए दे रहे हैं तो अब तो हम शर्त लगा ही सकते हैं ना तो उसमें क्या प्रॉब्लम है हम शर्त लगा दें आपको रहने के लिए दे, भाई आप इस कलर का नहीं पुतवाएंगे या ये चीज नहीं बनाएंगे इस मकान पे ये नहीं खड़ा करेंगे तो पार्शियल पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है क्योंकि कंडीशन इम्पोज बाय लेसर रिस्ट्रेनिंग द मोड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द वैलिड एंड इट ठीक है

ठीक है तो अब ये बहुत तरीके की हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मेरा एक मकान है उसके सामने एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है एक बड़ा सा हमने फील्ड छोड़ दिया है थोड़ा सा जाने के लिए लोगों के लिए जगह स्पेस होगी बाकी और मकान हमने उस जगह के उठा के सारे बेच दिए हम शर्त लगा सकते हैं उन मकान को ट्रांसफर करने में कि भाई देखिए ये जो खाली एरिया है इस पर आप कोई निर्माण नहीं करेंगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो ये वैलिड होगी क्योंकि ये मेरे बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करने के लिए है ठीक है इज अ वैलिड कंडीशन बिकॉज इट इज मेंट फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ ट्रांसफर्स ओन प्रॉपर्टी देखिए एक और एज अ ओनर ऑफ टू प्रॉपर्टीज ए जो है प्रॉपर्टी का टू ओनर है सपोज दैट कि एक मकान था उसके बगल में एक खाली लैंड है खाली लैंड से जो है मेरे मकान से जो जैसे मान लीजिए नाली बहती हुई गई है पानी जो है ड्रेन होके जा रहा है वहां से ठीक है

तो रिस्ट्रिक्शन जो हमने लगाया है कि मतलब की आपको कोई चीज करना है और ये निगेटिव भी हो सकती है इस तरीके की भी हो सकती है जैसे हमने कहा कोई निर्माण नहीं कर सकते यहाँ पे आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जैसे फॉर लैंड वाले के केस में बताया था कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो कि धूप और रोशनी आना बंद हो जाए ए सोल्ड सर्टेन सराउंडिंग एन ओपन पीस ऑफ लैंड टू बी विद कंडीशन बी एंड हिज एयर शैल नॉट मेक एनी कंस्ट्रक्शन ओवर द पीस ऑफ लैंड बी एंड एयर कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग ओवर लैंड हियर द रिस्ट्रिक्टिव कोट इज नेगेटिव इन कैरेक्टर अब देखिए उसी जगह पे अब आप सेक्शन टेन को अगर हम लोग फिर से एक बार देखें तो so, देखिए क्या लिखा है वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिस्ट्रेन करने के लिए इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए नहीं वेयर प्रॉपर्टी खाली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने की बात कही गई ये नहीं कहा गया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की पार्शियल इंटरेस्ट ये जो वर्ड एब्सोल्युटली इस्तेमाल हुआ है ये absolutely restrain करने के लिए, रोकने के लिए, लिए रोकने कि ऐसी कंडीशन आप लगा रहे हो जो रोक रही है, है कि ये मत कि है। है? यहां पे प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं हो रही है इसीलिए लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ लीज द कंडीशन इज फॉर बेनिफिट ऑफ लिविंग अंडर हिम तो उस जगह पे आप लगा सकते हैं वहां पे कंडीशन वैलिड होगी जहां पे लीज का केस होता है क्योंकि लीज तो पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर होना है ठीक है आई होप कि सेक्शन इलेवन आपको समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो में बस इतना ही हैव अ गुड डे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं